अगली खबर अयोध्या से है, जहां नंदीग्राम महोत्सव दीपावली बीत जाने के बाद तैयारियों के मुहाने पर जोर शोर से खड़ा है। महोत्सव कमेटी के पदाधिकारियों ने भव्य महोत्सव के आयोजन के नियमित बैठक करके प्रेस वार्ता की, तो दावा किया गया कि पांचवी महोत्सव की तैयारियां इस बार इसलिए भी खास है कि लंबे इंतजार के बाद अनंता भरत की तपोस्थली नंदीग्राम को नगरीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। नंदीग्राम महोत्सव समिति के अध्यक्ष रमाकांत पांडे इसे एक स्वर्णिम उपलब्धि करार देते हुए दावा करते हैं कि नगरीय क्षेत्र घोषित होने के साथ साथ भरत कुंड का भौगोलिक स्तर अब तेजी के साथ विकसित होगा। उन्होंने बताया कि विश्व स्तरीय पहचान रखने वाले नंदीग्राम स्थल को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाकर कीर्तिमान स्थापित करने का स्वप्न पूरा करने का समय आ गया है। इससे पहले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हनुमानगढ़ी के महंत रामदास ने नंदीग्राम का विकास प्राकृतिक सौंदर्य के साथ करने की सलाह देते हुए बताया कि महोत्सव की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं तथा महोत्सव श्री भरत जी महाराज के चरित्र को विख्यात करते हुए प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जाएगा। नंदीग्राम से हूं। मैं छात्र राजनीति से ही विश्व जो है बीएम से जुड़ा रहा हूँ। साकेत महाविद्यालय चुनाव में जब से विद्यालय छोड़ा है अपने क्षेत्र के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा हूँ। नंदीग्राम सही कहा आपने, ये क्षेत्र क्योंकि नगर पंचायत बहुत छोटी थी नंदी मदरसा के नाम से, जो एक विशेष व्यक्ति के नाम ही चल रही थी अभी तक माना जाए तो, अब की बार इसका विस्तार हुआ है। 10 ग्राम सभा और एक आधी ग्राम सभा में 11 ग्राम सभा लगभग इसमें जुड़ी गई हैं। पहले ये लगभग 9,700 वोट था, अब लगभग 32,000 के आसपास वोट हो गया है। इस हिसाब नहीं है, हम इस विषय को मान के नहीं चलते। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर चलती है, लेकिन देखने की बात यह है कि सही बात है कि अब जो है विस्तार हुआ है तो क्षेत्र का विकास भी ज्यादा होगा। प्राथमिकता है क्या होगी भरत कुंड को? भरत कुंड का पर्यटन के दृष्टि से विकास होना चाहिए। ये एक तपोस्थली है, रामायण से जुड़ी हुई है, देखा जाए तो सबसे प्राचीन तपोस्थली भी है और अयोध्या से एकदम समीप भी है। तो अब जबकि राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है तो लोग श्रद्धालु दूर दूर से वहाँ भी आएंगे, तो हम चाहते हैं कि वहाँ से भी लोग भरतपुर नंदीग्राम देखने आए। अच्छा पांडे जी थे तो नहीं चला, हर बार तो मंदिरों पे भी चलाया जाता था। इस बार जैसे जब विकास होता है तो बड़ी बिल्डिंगें भी बनती हैं, छोटी बिल्डिंगें भी बनती हैं, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए यहाँ आवागमन के साधन ज़्यादा बढ़े, देखने योग्य जो कुंड है ये भरत कुंड, इसके समीप जो है तमाम जो जगह खाली पड़ी है इसका समुचित विकास हो, फूल पत्तियाँ लगें, गेट बने और सीढ़ियाँ बने, मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो, स्वच्छ सड़कें रहें, स्वच्छ नालियाँ रहें, लोग आए देखें तो इसका एक उदाहरण दें।